मालूम है हमारे देश का पैसे कैसे और कहां बनता है? शायद आपको नहीं मालूम होगा, आजकल सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा ऐसी चीज है जिसके बिना जीवन जीना मुश्किल है। आज हर काम में पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या आपको पता है पैसे कैसे बनाते हैं और पैसे कहां और कैसे छपते हैं? बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे देश का पैसा कहां और कैसे बनता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैसे का पेपर कहाँ तैयार होता है, हमारे देश में पैसे छापने की मशीन कहाँ है, पैसे कैसे छपते हैं, खराब नोटों का क्या करते हैं, पैसे हम तक कैसे पहुँचते हैं। तो दोस्तों, आज इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं पैसे का पेपर कहाँ तैयार होता है। पैसे का पेपर ज़्यादातर दुनिया के 4 देशों में होता है। इन देशों में पेपर बनाने की आधुनिक मशीनें हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से देश हैं। पहला अमेरिका का पोर्टल, दूसरा फ्रांस का अर्जो विगिज, तीसरा स्वीडन, चौथा लुसेटल पेपर फैब्रिक। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हमारे देश में पैसा छापने की मशीनें कहाँ हैं। पैसा बनाने की मशीनें एमपी के देवास, मैसूर, सालबोनी, नासिक में है। देवास में नोटों की स्याही और 10, 50, 500 के नोट छापे जाते हैं। मैसूर में 2000 के नोट छपते हैं। आपको बता दें कि देवास में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एक साल में 265 करोड़ नोट। इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और 4 टकसाल मिल हैं। टकसाल मिल देश के 4 शहरों में है, जिनमें मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा शामिल है। नोट छपाई के पेपर होशंगाबाद और विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। इंडियन नोट में 3 जगह का पेपर यूज होता है। पहला महाराष्ट्र की करेंसी नोट प्रेस, दूसरा ज्यादातर पेपर एमपी के होशंगाबाद मिल से आता है, तीसरा कुछ पेपर को विदेश से इंपोर्ट किया जाता है। आपको बता दें, नोट बनाने में खास कॉटन से बने पेपर और खास स्याही का इस्तेमाल होता है। ये स्याही देवास के बैंक नोट प्रेस और सिक्किम में स्विच फर्म यूनिट में बनती है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं पैसे कैसे छपते हैं। विदेश और होशंगाबाद से आए पेपर को सेमटोन मशीन में डाला जाता है। इसके बाद इसे दूसरे मशीन इंटाबू मशीन में डाला जाता है। मशीन से निकले नोटों की सीट पर अच्छे और खराब नोटों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सही नोटों पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद एक एक नोट को चेक किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से खराब नोट हो जाते हैं, तो आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आखिर एक खराब नोटों का गवर्नमेंट क्या करती है। तो चलिए आपको बता देते हैं खराब नोटों का क्या करती है गवर्नमेंट। जब नोट खराब हो जाते हैं तो उन्हें बैंक में जमा कर दिया जाता है। बैंक उन नोटों को मुख्य कार्यालय में भेज देता है, वही उनकी जाँच होती है और उनकी जगह नए नोटों को छाप दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भारत इतना बड़ा है, फिर भी भारत के कोने कोने गांव में पैसे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पैसे कैसे पहुंचते हैं आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए अब आपको बता देते हैं पैसे हम तक कैसे पहुंचते हैं। इंडियन रिजर्व बैंक के देश में 18 ऑफिस हैं। वे ऑफिस अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, चेन्नई, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, कानपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पटना, त्रिवेंद्रमपुर, भुवनेश्वर, लखनऊ। आपको बता दें, सबसे पहले नोट इन ऑफिस में पहुंचते हैं, इसके बाद अलग अलग बैंक में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये सब प्रोसेस होता है एक नोट को बनाकर पूरे गांव-गांव तक भेजने के लिए। शायद अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे देश का पैसा कैसे और कहां बनता है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।